नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारा उत्तर प्रदेश में और मैं हूं आपके साथ शिवांगी पारिक। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। अखिलेश यादव का तंज, बोले अभिनेता का अभिनय नहीं चला, फिल्म फ्लॉप। उत्तर प्रदेश भाजपा सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया और उप जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। बदमाशों ने युवक को गोली मारी, गोली से युवक घायल। और अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उत्तर प्रदेश में फिल्म सिटी बनाने की घोषणा के बाद में मंगलवार को इस मुद्दे पर एक बड़ी बैठक करने जा रही हैं। उधर बैठक से पहले समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि उनके कार्यकाल के एक और प्रोजेक्ट की योगी सरकार ने अपना बताकर फीता काटने की तैयारी में है। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश ने ट्वीट किया कि अब सपा काल की फिल्म सिटी का श्रेय लेने के लिए प्रदेश की भाजपा सरकार कैंची लेकर फीता काटने को तैयार खड़ी है, पर अब न तो उनके अभिनेता का अभिनय काम आ रहा है और न ही कोई डायलॉग। उनकी फ्लॉप पिक्चर उतरने वाली है, क्योंकि प्रदेश की असली तस्वीर बनाने वालों की एडवांस बुकिंग हो रही है। बैठक में नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना एक्सप्रेसवे के सीआईओ में भी शामिल थे। बता दें कि पिछले दिनों मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मेरठ मंडल की समीक्षा के दौरान फिल्म सिटी बनाने का ऐलान किया था। इसके बाद में यमुना एक्सप्रेसवे की और तरफ से 1000 एकड़ जमीन उपलब्ध कराने की जानकारी शासन को पत्र लिखकर दी गई थी। मंगलवार को होने वाली इस बैठक में नोएडा और ग्रेटर नोएडा के अधिकारी भी भूमि को लेकर सीएम योगी को जानकारी देंगे। और अब खबर गोंडा से, जहां पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने राज्य में बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर डाक बंगले पर भी प्रदर्शन कर उपजिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। सोमवार को पूर्व मंत्री योगेश प्रताप सिंह तथा कटरा के पूर्व विधायक बैजनाथ दुबे के नेतृत्व में सपा कार्यकर्ताओं द्वारा सरकार के खिलाफ हल्ला बोल कर योगी सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई। इस दौरान भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती भी की गई थी। सपा कार्यकर्ताओं ने भाजपा सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। वहीं सपा कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शनकारियों का कहना है कि भाजपा सरकार के अपराध की बढ़ती हुई और महिला सुरक्षा के दावे करने वाली सरकार महिलाओं की सुरक्षा को लेकर खिलवाड़ करती नजर आ रही है। इसको लेकर लोगों में आक्रोश है। पूर्व मंत्री योगेश प्रताप सिंह ने कहा कि भाजपा सरकार में कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। इस सरकार में चारों तरफ जंगलराज है, साथ ही हत्याओं की घटना बढ़ती जा रही है। भाजपा सरकार अपराध रोकने में पूरी तरीके से फेल होती दिखाई दे रही है। उन्होंने कहा कि इस सरकार में नौजवान और मजदूर बेरोजगारी को के शिकार हो रहे हैं। और अब खबर कानपुर से, जहां पर जिलाधिकारी कानपुर नगर एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रतिदिन कोविड प्रोजेक्ट L2 फैसिलिटी का ही व्यवस्थाओं के विषय में औचक निरीक्षण किया जा रहा है। निरीक्षण के दौरान संबंधित फैसिलिटी में कोई भी कमी ना हो तथा फैसिलिटी पर लगातार निगरानी रखने के लिए स्टैटिक मैजिस्ट्रेट की भी निगरानी रखी जा रही है, जिसके क्रम में आज पुणे 7 एयर फोर्स हॉस्पिटल का जिलाधिकारी कानपुर द्वारा औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान में उन्होंने निश्चित करते हुए कहा कि गंभीर मरीजों की लगातार निगरानी रखी जाए। जो मरीज आपके यहाँ आते हैं उनकी पूरी हिस्ट्री रखते हुए बेहतर इलाज किया जाए। उन्होंने कहा कि जो भी मृत आपके पास यहाँ पे हुए हैं उनका कारण क्या रहा, इस पर उपस्थित डॉक्टर ने बताया कि अधिकतर मरीज पहले से ही गंभीर बीमारियों से ग्रसित थे, जिनकी स्थिति स्टेबल नहीं थी, पल्स भी काफ़ी कम था। कुछ मरीज डेंगू के भी, जिनकी मृत्यु हो गई थी। उन्होंने कहा कि 7 एयरफोर्स हॉस्पिटल की व्यवस्था बेहतर है, यहाँ पर व्यवस्थाएं ऐसी है कि संचालित हो रहे हैं। एयर कमांडो ने बताया कि 3 ICU बेड की क्षमता को और बढ़ाकर अब 20 ICU किया जा रहा है। निरीक्षण के दौरान में मुख्य चिकित्सा अधिकारी SM2 उपस्थित थे। तो वहीं जनपद में संबल की तहसील चंदौसी में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने निर्देश अनुसार बेरोजगारी किसानों के साथ में उत्पीड़न के चलते किसान परेशान, किसी की सरकार में नहीं हुआ जितना भाजपा सरकार में हुआ है। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आज दिनांक 21 सितंबर को चंदौसी तहसील परिसर में धरना करा और उसके बाद में SDM चंदौसी को ज्ञापन सौंपा। धरने में उपस्थित समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद जावेद अली खान, पूर्व अध्यक्ष लक्ष्मी गौतम, पूर्व जिला अध्यक्ष फिरोज खान और अन्य कार्यकर्ता भी मौजूद रहे।
तो वहीं सिद्धार्थनगर जनपद में सभी विधानसभा क्षेत्र में सपा कार्यकर्ताओं ने पैदल मार्च कर सरकार की नीतियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। ऐसे में जिला सपा कार्यालय से कलेक्ट्रेट ने भी पैदल मार्च निकालकर राज्यपाल को संबंधित ज्ञापन उप जिला अधिकारी नौगढ़ को सौंपा। विधानसभा पूर्व विधायक विजय पासवान की अगुवाई में किया गया विरोध और प्रदर्शन में शौरतगढ़ तहसील परिसर में पूर्व विधानसभा प्रत्याशी पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष सिद्धार्थनगर मोहम्मद जलीम सिद्दीकी की अगुवाई में विधानसभा शौरतगढ़ में भी धरना प्रदर्शन किया गया। उपजिलाधिकारी अनिल कुमार को राज्यपाल से संबोधित दिया गया। साथ ही ज्ञापन बांसी विधानसभा के तहसील परिसर में समाजवादी पार्टी के नव निर्वाचित जिला अध्यक्ष पूर्व विधायक लालजी यादव के नेतृत्व में समाजवादी सभा के प्रदेश उपाध्यक्ष कमल अहमद खान को कार्यकर्ताओं ने सपा नेता ने कहा कि उत्तर प्रदेश में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है तब से किसान मजदूर युवा छात्र सहित समाज का हर वर्ग तबाह हो गया है। भारी संख्या में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं में मौजूद रहे और पुलिस अधीक्षक राम अभिलाष त्रिपाठी आदेश पर शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए सभी तहसीलों में पुलिस बल तैनात रही और इस विरोध में प्रदर्शन को शांतिपूर्ण संपन्न कराया गया। मेन मामला COVID-19 जो भ्रष्टाचार हुआ उसकी मांग हो, केंद्र सरकार की जो बिजली बिल, जो केंद्र सरकार की जो खेती पूंजीपतियों को देने की व्यवस्था की केंद्र सरकार कर रही है उसके खिलाफ ये धरना है। समाजवादी पार्टी की मांग है पूरे जिले की जो जर्जर सड़कें हैं उसको तत्काल ठीक कराया जाए। स्वास्थ्य व्यवस्था जो पूरी तरह चरमरा गई है, जबकि स्वास्थ्य मंत्री इसी जिले से संबंधित हैं, उनके रहने के बावजूद स्वास्थ्य व्यवस्था में कोई सुधार नहीं हुआ, उसके सुधार की मांग की जा रही है। पुलिस उत्पीड़न की जांच हो और जगह जगह समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं प्रधानों को चुनाव नज़दीक आते देखकर फर्जी मुकदमे में 307 गंभीर मुकदमे में 308 पर फर्जी तरीके से केस किया जा रहा है, उसकी भी जाँच होनी चाहिए। फर्जी जो निर्दोष पूरा मामला आज ये विरोध प्रदर्शन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी के आह्वान पे पूरे प्रदेश में हर विधानसभा वाइज किया जा रहा है। पहला हर विधानसभा वाइज तहसील में किया जा रहा है, जो कि पहला हमारा कपिल वस्तु हमारे आदरणीय जिला अध्यक्ष लालजी यादव भी इसमें आके अगुवाई किए हैं। इनकी अगुवाई में तमाम हमारे कपिल वस्तु विधानसभा के साथी और नौजवान साथी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता इन्होंने पहले एक ही आह्वान पे उन्होंने पहुंचा है। आज पहला दिन का जो हम लोग का आंदोलन है, खाली इनको चेतावनी है यहाँ की भ्रष्ट सरकार योगी सरकार को, इनके प्रशासन को, अगर अभी भी अगर होश में नहीं आए तो हम लोग जब बड़ा प्रदर्शन करेंगे पूरे ज़िले में तो जिला प्रशासन हम लोग को संभाल नहीं पाएगी। और हाँ, जिसकी जिम्मेदारी पूरे प्रशासन की होगी। कल जब से पता चला है पुलिस प्रशासन सारे विभागों, कल हमारा कार्यक्रम है, तमाम बड़े अधिकारी दबाव बनाने की कोशिश किए कि प्रमुख मांगे क्या है जिसको लेकर आज आप लोगों ने प्रमुख मांगे हमारे समाज को नौजवानों को लेकर है। ये संविधा पर जो उन्होंने नौकरियां संविधा करने के लिए ये लोग षड्यंत्र किए थे, आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आह्वान पे डर के हमारे घुटना टेक दिए हैं। तो प्रमुख मांगे हैं नौजवानों को जो बेरोजगार हो गए हैं, कोरोना में तमाम मजदूर आए भूखे मर रहे हैं, इलाज कराने के पैसे नहीं हैं, स्वास्थ्य विभाग खराब है, सड़कें जर्जर हैं। तो आप जितना गिनाने जाएंगे तो घंटों लग जाएगा, क्या क्या मांगे जितना। और अब खबर उत्तर प्रदेश के बस्ती से, जहां पे सीओ सिटी गिरीश कुमार के नेतृत्व में बस्ती कोतवाल रामपाल यादव, स्टीम प्रभारी राजकुमार पांडे, एसओजी टीम प्रभारी निरीक्षक मृत्युंजय पाठक के टीम के साथ में चोरी के वाहन के साथ में तीन अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने राहुल कुमार, अमर कुमार, दिनेश चंद्र को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने अभियुक्तों के पास से चार मोटरसाइकिल टायर एविकल रिम सहित 20 मोटरसाइकिल एविकल का बरामद किया है। शातिर चोर गाड़ियों की भीड़भाड़ वाले इलाकों से चुराकर एकांत जगह ले जाकर पार्ट खोलकर बेचते थे। कबाड़ी को इसके साथ ही प्रभारी एसपी रविंद्र कुमार सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसका खुलासा किया। अभियुक्तों को गिरफ्तार करने में SSI अरविंद कुमार शाही, सब इंस्पेक्टर जनार्दन प्रसाद, SI इंद्रभूषण सिंह, SI सुरपति त्रिपाठी, स्वाट टीम के मनोज राय, मनीष चंद्रा, अभिषेक तिवारी, देवेंद्र निषाद का भी योगदान रहा। जो कोतवाली पुलिस है, एसओजी टीम है, स्वाट टीम है, ये लगातार काम कर रही थी और इन्होंने काफी कुछ सर्विलांस और
घुघरी से एक वाहन चोर का गैंग उन्होंने आइडेंटिफाई किया और जब पता लगा तो ये पता लगा कि ये गैंग सक्रिय है और इसका एक मेंबर जिसके अभी लोग गैंगस्टर भी लगा था अभी हाल ही में कुछ दिनों पहले ये सुनता था और उसके बाद फिर सक्रिय हो गया था। तो इसमें तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया है, इसमें राहुल कुमार पुत्र रामचंद ये बड़े बन हवेली खास पुरानी बस्ती जनपद बस्ती का है, अमर कुमार है ये भी बड़े बन का रहने वाला है और दिनेश चंद्र पुत्र रामनाथ ये कबाड़ी है जो चोरी की मोटरसाइकिल पार्ट्स को खरीदता था बारी डीघा थाना महोली जनपद संत कबीर नगर और यहाँ हरदिया चौराहा थाना कोतवाली के पास इसकी कबाड़ की दुकान थी जो बरामदगी हुई है उसमें चार अदद मोटरसाइकिल बरामद हुई है, चार अदद मोटरसाइकिल टायर में एलाविल रिम सहित बरामद हुए हैं और 20 अदद मोटरसाइकिलों के एलाविल रिम बरामद हुए हैं। राहुल कुमार के बारे में जैसा कि मैंने बताया कि ये इसके विरुद्ध गैंगस्टर भी कायम हुआ था जिसका मुकदमा अपराध संख्या 577/19 है जो कोतवाली से बंद हुआ था। इसके अलावा 456/2019 457/380/411 में ये बंद हुआ है और इसके अलावा 484/2020 179/411 में ये बंद हुआ है। आज जो इनकी बरामदगी के बारे में जो इन अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है उनके बारे में 498/2020 धारा 379 411 414 419 420 467 468 471 IPC का पंजीकृत हुआ है। वाहन चोरों की इन गिरफ्तारी से निश्चय ही इस तरह के अपराध को रोकने में कामयाबी मिलेगी। सर कितने दिनों से इस गिरोह जो सक्रिय था? मैंने बताया कि पिछले एक दो महीने में ये गिरोह सक्रिय था, अभी इनका इंट्रोगेशन भी हो रहा है, अभी और भी जानकारी इनसे प्राप्त की जा रही है, इनके सर्वलांस के माध्यम से इनके मोबाइल नंबर को भी खंगाला जा रहा है, अभी और भी इसमें काम होना बाकी है, जैसे जैसे पता लगेगा आपको जानकारी दी जाएगी। और अब खबर जौनपुर के बदलापुर से जहाँ पे थाना क्षेत्र के सनोखनपुर निवासी एवं पूर्व जिला पंचायत सदस्य के पति सुरेश चंद्र सरोज ने बजनोथा महावीर धाम जनपद सुल्तानपुर में अपने ऊपर गोली मारने की घटना बताई है। वहां पर जबकि पुलिस चिकित्सक के हवाले से गोली की चोट होने से भी इनकार कर रही है। घायल और पुलिस की कहानियों के पीछे का सच तो जांच के बाद ही सामने आएगा, लेकिन अभी घायल सुरेश का उपचार के लिए जिला अस्पताल में चल रहा है। घटना के संदर्भ में पूर्व जिला पंचायत सदस्य के पति सुरेंद्र कुमार सरोज 55 वर्षीय का कथन है कि वह हर मंगलवार की भांति इस बार भी इनोवा कार से अपने साथियों के साथ लल्लू यादव और साथ ही डॉक्टर राजकुमार यादव इंद्रदेव मिश्रा निवासी कमालपुर के साथ में बजनेथुआ दर्शन करने जा रहे थे, साथ ही दर्शन कर वापस आ रहे थे। इस दौरान हेलमेट लगाकर पहुंचा एक युवक ने गोली मार दी, गोली लगते ही वे गिर गए। आनंद फानंद में उनके साथी उनको सीधे HCHC बदलापुर लेकर पहुंचे जहां पर प्राथमिक उपचार के बाद में जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। सिर के पिछले हिस्से में गोली लगना बताया जा रहा है। घटना की सूचना पर शुभचिंतकों की भीड़ CHC बदलापुर पे लग गई। इसके साथ ही इस घटना के बाबत अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण ने जारी बयान में कहा कि घायल सुरेश सरोज ने बदलापुर थाने में गोली चलने की चोटिल होने की तहरीर की है। इसके साथ ही CHC बदलापुर के चिकित्सक ने इस विषय पर बात करने से भी इनका कहना है कि गोली की चोट नहीं है। दूसरी बात यह भी है कि घटना के बाद में घायल अथवा उनके साथियों द्वारा विजय हुआ महावीर धाम जनपद सुल्तानपुर की पुलिस को घटना की जानकारी नहीं दी गई थी। घटनास्थल से सीधे CHC ले जाया गया, इसलिए गोली चलने की घटना संदिग्ध लग रही है। फिर भी पुलिस जांच कर रही है, सच सामने आ जाएगा जो भी हो, लेकिन घायल और पुलिस ने कहानियों के सच का खुलासा होना जरूरी हो गया है। साथ ही सवाल एक ये भी खड़ा होता है कि आखिर सुरेश सरोज क्यों और कैसे जख्मी हुआ है, इससे भी पर्दा उठने की जरूरत है। आज सुरेश सरोज जो कि सरोखनपुर थाना बदलापुर के रहने वाले हैं, उन्होंने बदलापुर थाने पर सूचना दी कि आज भोर में लगभग 3 बजे अपने साथियों के साथ जनपद सुल्तानपुर स्थित विजयथुआ महावीर में दर्शन करने के लिए गए थे। ये जैसे ही दर्शन करके निकले तो मंदिर परिसर में ही एक व्यक्ति जो हेलमेट पहने हुए था इनके गोली मार दिया जो कि सिर के पिछले हिस्से में लगी है। इनके साथियों ने ना तो वहाँ पर स्थानीय पुलिस को कोई सूचना दी और ना ही 112 पर सूचना दी, इसको सीधे लेकर के CHC बदलापुर ले आए। यहाँ पर फर्स्ट एड देने के बाद डॉक्टर के द्वारा इनको जिला अस्पताल जौनपुर के लिए रेफर कर दिया गया है।
डॉक्टर से बात करने पर बताया कि फायर आर्म की इंजरी नहीं लग रही है बल्कि किसी हार्ट ब्लंट की चोट है। इसमें क्योंकि घटना जनपद सुल्तानपुर की है तो जनपद सुल्तानपुर पुलिस को इसके संबंध में सूचित कर दिया गया है ताकि आगे और से वैधानिक कार्रवाई हो। इनका इलाज जनपद जौनपुर जिला चिकित्सालय में हो रहा है। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए डीपीके न्यूज़। नमस्कार।